हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौर आपका थीजिस स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको घर बैठे स्टेनोग्राफी सीख के अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा चैप्टर है 7 नंबर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ वोवेल्स। अब सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वोवेल्स मीन्स व्हाट। तो वोवेल्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो वोवेल्स का मीनिंग है अ स्पीच साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपैरेटिवली ओपन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट विद वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स बट विदाउट ऑडिबल फ्रिक्शन। क्या कहा है कि वोवेल ऐसा एक स्पीच साउंड है कि जब हम कोई वर्ड को बोलते हैं वो दरमियान जब उस वर्ड में अगर वोवेल हो तो क्या विदाउट ऑडिबल फ्रिक्शन, यानी हमारा जो टंग है वो और लिप्स ये एक दूसरे में टच नहीं होते, और ऐसे जो वर्ड है उन वर्ड को कहा जाता है वोवेल। अब वोवेल की तो डेफिनेशन हो गई। अभी हमने जो सीखा है वोवेल वो ए ई आई ओ यू सीखा है ना, बट अब हम जो सीख रहे हैं ये वो वोवेल नहीं है। तो क्या है कि इन पिटमैन शॉर्टहैंड देयर आर 12 वोवेल्स। अब वो जो है वोवेल वो है कौन कौन से, जिसमें फर्स्ट प्लेस वोवेल इनमें 4 वोवेल आते हैं, फिर सेकंड प्लेस वोवेल इनमें भी 4 वोवेल आते हैं, और जो लास्ट है थर्ड प्लेस वोवेल जिसमें भी 4 वोवेल आते हैं। इस तरह से पिटमैन शॉर्टहैंड में 12 वोवेल्स है, जिसमें कुछ लाइट साउंड में होते हैं और कुछ हैवी साउंड में होते हैं। अब इस टॉपिक को सीखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने देता हूं कि लॉन्ग साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश, यानी जिस वोवेल से हैवी साउंड होगा वहां मैं हैवी डैश कर दूंगा। मतलब हमें समझ जाना है कि यहाँ हैवी वोवेल है यानी जिसका लॉन्ग प्रोनाउंस होगा। फिर एंड लाइट यानी कि शॉर्ट साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सेमी सर्कल। अब जो वोवेल लाइट होगा यानी जिस वर्ड में शॉर्ट वोवेल आता होगा वहां में समझाने के लिए आपको उसके हेल्प में एक सेमी सर्कल के जैसा मैं सिंबल आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, लॉन्ग साउंड यानी जब हैवी वोवेल होगा तो हम उसे हैवी डैश से शो करेंगे, और अगर लाइट साउंड होगा तो हम वहां पे एक सेमी सर्कल बना देंगे। अब जो टॉपिक हमारा मेन जो टॉपिक वो है वोवेल, तो इस वोवेल में 3 पार्ट्स है, उसमें फर्स्ट प्लेस वोवेल, सेकंड प्लेस वोवेल एंड थर्ड प्लेस वोवेल। अभी फर्स्ट प्लेस वोवेल में आता है आ। अगर हैवी आ होता हो प्रोनाउंस तो हमें वहां आ लिखना, और वो फर्स्ट प्लेस वोवेल है जो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि ए जब भी कोई वर्ड में ए ये लाइट में प्रोनाउंस हो तब हमें वहां लाइट डॉट लिखना है, और जब कोई वर्ड में आउट प्रोनाउंस हो तो हमें वहां हैवी डैश लिखना है, और अगर ओ प्रोनाउंस होता होगा लाइट में तो हम वहां पे लाइट डैश लिखेंगे। और दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है ये मैं आपको अच्छी तरह से जब भी इनके टॉपिक्स आएंगे मैं आपको सेपरेटली अच्छे से समझा दूंगा। अभी फिलहाल आपको ये चीज समझना है कि वोवेल में कितने पार्ट्स है और उन पार्ट्स में कौन कौन से वोवेल आते हैं। फिर सेकंड प्लेस वोवेल, इस सेकंड प्लेस में भी 4 वोवेल है, इसमें है लॉन्ग वोवेल ए। अगर कोई वर्ड में ए या आई ये हैवी में अगर प्रोनाउंस हो तो हमें वहां लॉन्ग वोवेल ए लिखना है, और लॉन्ग वोवेल को रिप्रेजेंट किया जाता है हैवी डॉट से। उसी तरह से ए यानी जब भी लाइट होगा ए प्रोनाउंस तब हमें वहां लाइट डॉट हमें शो करना है, और हमें ए ए और ये ए में बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेकंड प्लेस वोवेल है और ये फर्स्ट प्लेस वोवेल है। जब भी मैं ये टॉपिक की शुरुआत करूंगा तब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि इस वोवेल का यूज कब होगा और इस वोवेल का यूज कब होगा। फिर है लॉन्ग वोवेल ओ, तो लॉन्ग वोवेल ओ को रिप्रेजेंट किया जाता है हैवी डैश से। फिर शॉर्ट वोवेल यू, जब अ प्रोनाउंस हो तो हमें वहां लाइट डैश से शॉर्ट वोवेल यू रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है थर्ड प्लेस वोवेल,
यहाँ पर भी चार वोवेल है, इसमें है लॉन्ग वोवेल ई, शॉर्ट वोवेल ई, लॉन्ग वोवेल ओ और शॉर्ट वोवेल ओ। लॉन्ग वोवेल ई को रिप्रेजेंट किया जाता है हैवी डॉट से, शॉर्ट वोवेल ई को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइट डॉट से, लॉन्ग वोवेल ओ को रिप्रेजेंट किया जाता है हैवी डॉट से और शॉर्ट वोवेल ओ को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइट डॉट से, लाइट डैश से। तो दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ लॉन्ग वोवेल और शॉर्ट वोवेल, तो ये जो सिंबल है ना ये लॉन्ग वोवेल हमें रीड करना है, और जब ऐसा सेमी सर्कल के जैसा सिंबल बने तब हमें शॉर्ट वोवेल हमें ऐसा रीड करना है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वोवेल, तो वोवेल यानी क्या और वोवेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेपरेटली फर्स्ट प्लेस वोवेल, सेकंड प्लेस वोवेल और को अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स या फिर आगे का न्यू चैप्टर अगर आपको सीखना हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे रेगुलर अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।